dear Bishop Ji, dear fathers, sisters. On the first day of our workshop on evangelization, we are entering into the Eucharistic celebration. It is a great moment of blessing for each and every one of us. As we begin today, we are going to have our Eucharistic celebration led by our Vicar General of Chanda Diocese, Reverend Father Benny Mulakel. I would like to welcome him in a very special way. Let us welcome him with a big clap. We also have concelebrants, Reverend Father Sebastian Orepurekil. Father is the evangelization counselor of CMI congregation, CMI province. So we welcome him in a very special way towards this Eucharistic celebration. We also have Reverend Father Binu, who is also in charge of GVOLSO, also the evangelization ministry of the diocese. We would like to welcome him in a very special way. Also, dear Reverend Father and sisters, you are all most welcome towards today's celebration. Thank you. आज के पवित्र बलिदान में हम भक्ति भाव से तन मन लगाकर हम इस पवित्र बलिदान में हम भाग लेंगे. प्रभु ईसा मसीह के सामने हमारा जीवन समर्पण करते हुए हम इस पवित्र बलिदान हम लोग शुरू करें. पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन. हमारा यह बलिदान प्रीति भोज प्रभु भोज महान कर संबनय इस कृपा से आप लोगों की आज्ञा से पृथ्वी पर मानवों को
ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पिता हमारे पावन होवे तेरा नाम आवे तेरा राज्य सदा पावन 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 पवित्रात्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर हे स्वर्ग पिता हमारे पावन होवे तेरा नाम आवे तेरा राज सदा करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर तेरे पवित्र त्रित्व के पुण्य दाते जस नाम की महिमा हो उसकी स्तुति और आराधना हो तेरे नाम स्वर्ग और पृथ्वी में सदा पवित्र रहे। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा से गाओ
शांति हमारे साथ रहे। तेरे प्रत्येक उपघात तथा अनुग्रह का प्रतिदान हम कदापि नहीं कर सकते। तेरे अनुग्रह सारी सहायता से संपन्न और दुल्हन की तरह रंग तेरे कलीसिया में हम निरंतर तुझे धन्यवाद देते और तेरे गुणगान ही करते रहे। हे सबके प्रभु तो ही सृजन हा सर्वदा। आमीन। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी महिमा गाते हैं। यीशु मसीह सबके प्रभु जी जयगान गाते हैं। तू ही देता है प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन को सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति और आराधना हो हे सबके प्रभु सर्वथा। आमीन। शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे मन को आलोकित कर जिससे हम तेरे जीवनदायी और दिव्य आदेशों की मधुर वाणी ध्यान पूर्वक सुने। हम इन आदेशों में से प्रेम आशा और मुक्ति के फल संग्रह करें और सदा ही तेरी स्तुति करते रहे। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रकाशना ग्रंथ से लिया हुआ आज का वचन अध्याय 21 वाक्य 1-7 तक। गुरुवर आपका आशीर्वाद। मसीह आपका आशीष दे। तब मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया था। मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतरते देखा। वह अपने दुल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। तब मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। यह उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप
और न दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी है। तब सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति ने कहा, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। इसके बाद उसने कहा, यह बातें लिखो, क्योंकि ये विश्वसनीय और सत्य है। उसने मुझसे कहा, समाप्त हो गया है, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूँ। मैं प्यासे को संजीवन जल के स्रोत से मुफ्त में पिलाऊंगा। यह विजय की विरासत है। मैं उसका ईश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। लेकिन कायरों, अविश्वासियों, नीचों, हत्यारियों, व्यभिचारियों, ओजों, मूर्ति पूजकों और हर प्रकार के मितवादियों का भाग्य यह होगा, धक-धकती आग और गंधक के कुंड में द्वितीत मृत्यु। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। पवित्र सुसमाचार सुने। आप लोगों को शांति। और आपको भी। संत योहन द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। अध्याय 14 पद संख्या 15 से लेकर, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे न तो देखता और न पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़े ही समय बाद संसार मुझे फिर नहीं देखेगा, तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं जीवित रहूंगा और तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूँ, तुम मुझ में हो और मैं तुम में है। जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है, वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरे पिता प्यार करेगा, और उसी में मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। यूदस ने, इस्करियोती ने नहीं, उनसे कहा, प्रभु आप हम पर अपने को प्रकट करेंगे, संसार पर नहीं, इसका कारण क्या है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरे पिता उसे प्यार करेंगे और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वह मेरी शिक्षा पर नहीं चलता। जो शिक्षा तुम सुनते हो वह मेरी नहीं बल्कि
उस पिता की है जिसने मुझे भेजा। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। My dear loving bishop, revered fathers, sisters, and my dear brother Thomas Paul, once again good morning and JAC to all. Today's gospel is the continuation of what brother Thomas Paul has spoken regarding our fears and regarding the Holy Spirit, Trinity, etc. And in today's passage, in verses 15 to 24, Jesus introduces two great ideas. First, if you love me, you will keep my commandments. That is, one who has commandments and keeps them, that person is one who loves me. So beautiful passage. It says that, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे. If you love me, you will obey my commandments. Here Jesus links love and obedience. Here we need to preach the linkage. It is tempting to talk about God's love without mentioning our duty to obey. We say that, I love Jesus, I love Christ, but do we really obey the commandment? And if we cannot obey the commandment, then how can we say that we love God? Or if we cannot express our love towards our neighbor, then how can we say that I love my Jesus? So beautifully it is described here. And again, second idea is that verses 16 and 18, it says, I will pray to the Father and he will give you another counselor or advocate. Here Jesus promises to give us the Holy Spirit who will become God's presence on us on a daily basis in the world. Again, when we move to the verses 24, if a man loves me, he will keep my word. And one who does not love me does not keep my commandments. It means that obedience is a sign of love. We say that we love God, and if we don't obey his commandments or the whatever obedience we are supposed to do, then we cannot say that we love God. In this gospel, faithfulness to Jesus' words is defining mark of discipleship. If we are his disciples, then our mark will be our faithfulness to God. Keep my commandments means to do or fulfill his word. At present, we know that we all are living in a scenario where we come across a lots of challenges, criticism, even we fear to go to the jails. In this context, I have taken a sentence from this passage. It says that, I will not leave you orphaned. Main tumko anath nahi chodunga. I will be always with you. That's an assurance given to each one of us that whenever we fear certain things, always remember that he will not leave you abandoned, or we are always with us. He will be always with us. They speak directly to some of our greatest fears and challenges: abandonment, isolation, loneliness, vulnerability. They remind us that we are not destined to walk this earth without an identity or direction. We do not stand alone. That is the assurance given from God that a Holy Spirit will come, an advocate will come. That advocate will be with us, speaking for us, and he will guide us
and he will never abandon us. So my dear brothers and sisters, to be sure that there are seasons of life, moments when the transitions, changes and tragedies can leave us feeling as orphans. And we know that, when do we feel that we are orphans? If the maybe some changes happens in our life or some tragedies occur in our life, then we feel that we are alone. Whether spoken or unspoken, the questions begin. What will do I know? What will I do now? What is next in my life? What will happen? Again, Jesus says that, I will never abandon you. I will be with you. You will never be orphaned. That is the promise given to us. That is the promise of the Holy Spirit. In the absence of God, the Holy Spirit will be with us. He is present always with us. Jesus is with us, and the Holy Spirit will be continuously with us wherever we go, whatever we do. That is the assurance given by Jesus. So today's liturgy, let us experience this assurance. As Thomas Paul said, that the resurrection, and we believe that our resurrection will be there because Jesus says that I am the resurrection, that he will continue and we will always be with him in our daily life. So during this Holy Eucharist, let us pray that God may bless us with his Holy Spirit so that we can continue our work on evangelization. May God bless all of us to become an evangelizer in this changing world. God bless you all. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. हम सब आनंद और उत्साह के साथ प्रार्थना करें और बोले, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन, हे प्रभु हमारी